हे डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास ओके क्लास 9th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वी हैव नंबर सिस्टम एंड द टॉपिक विच ओके वी विल सी टुडे इज़ लोकेटिंग सम इरेशनल नंबर्स okay on the number line. What we will locate some irrational number on number line. This question is very much important from the examination point of view. हमेशा exam में ये question जरूर आता है कि please locate, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में. सो प्लीज़ लोकेट, दे विल आस्क यू लोकेट रूट 2, दैट इज़ एन इरेशनल नंबर ओके, दैट इज़ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. सो आप कैसे लोकेट करोगे रूट 2 को? अगर रूट 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो आप क्या करोगे? प्लीज़ लोकेट, क्वेश्चन आ जाएगा लोकेट रूट 2 ओके ऑन नंबर लाइन. So how will you do? It is very much easy, you know. Suppose हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है यूनिट लेंथ का O A B C. यहाँ से हम ओ बी डायगनल इसका हमारे पास ओ बी जो है वो एक मिनट ये डायग्राम थोड़ा रफ हो गया है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं अभी. एंड नाउ ओके वी विल ड्रॉ हियर अ स्क्वायर ओ ए बी सी. कंसिडर इट इज़ अ स्क्वायर ओके एंड दिस डायगनल एंड ऑफ इसका लेंथ कितना है? 1 और 1 1 और 1. सो यूनिट तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2. पूछो कैसे? अब देखो यहाँ पे ओ बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस दिस ए बी स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 2 हो जाएगा. तो वी हैव द ओ बी इज इक्वल टू रूट 2. हाउ डू वी रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन? अब देखते हैं ओके यहाँ पे हमारे पास ये नंबर लाइन है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये 0 है एंड दिस वैल्यू इज ओके विच वन? हमारे पास एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे 1, ये 1 1 यूनिट लेंथ का है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. सो हम इस तरीके से कुछ ऐसे इस ओ ए बी सी जो स्क्वायर है, हम अपने स्क्वायर को इस पे कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमारा ओ जो है 0 से, ये जो 0 ओ है वो ये 0 से मैच करे ओके. और जो हमारा ये ए है वो फर्स्ट पॉइंट पे चले जाए, तो हमारा आ जाएगा ए यहाँ पे और ये बन जाएगा अब ओ ए. और जब ये ओ ए यहाँ पे हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डायगोनल था ओ बी सी. देखिए ओ ए बी सी, हम ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर है ओ ए को हमने यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे रख दिया है. अब सो अब देखिए यहाँ पे हमारे ये वाला 1 था, ये 1 था, ये कितना आया हमारे पास? रूट 2. सो जब ये रूट 2 हुआ, नाउ वी विल टेक आवर कंपस, व्हाट इज़ दैट, वी विल टेक आवर कंपस एंड विद एंड वी विल टेक द सेंटर एज ओ एंड वी विल टेक रेडियस लाइक ओ बी ओके and we will draw an arc on the number line. Suppose here this arc हम यहाँ पे ऐसे draw करेंगे, ठीक है. तो जहाँ पे ये arc हमारे पास number line पे कटेगा, हम उसको वही है हमारा, ये वाला ही है हमारा root 2. You got it? Once again I will clearly explain you on the number line. So see here, we have to locate root 2 on the number line and take a square here of your unit length, that is 1,
and 1 1 1 O A B C. So by using the Pythagoras theorem, OB equal to we get under root OA square plus AB square. So one square plus one square. OB की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, रूट टू। अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये हमारा है क्या नंबर लाइन, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, ठीक है। हम ओ ए बी सी को कुछ इस तरीके से रखेंगे, दैट स्क्वायर जो है हम नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से रखेंगे कि जीरो से हमारा ओ मैच हो जाए और यहाँ पे ए आ जाए। तो हमारा जो ये दोनों है वो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, और जो ये हमारा डायगोनल है वो बी, ओ बी। हमारा यूनिट लेंथ ये वन है, ये वन है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू। नाउ टेक कंपास एंड कंसीडर ओ एज ए सेंटर, ओके, एंड यहाँ पे हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, ओ बी। ड्रा एन आर्क, ऐसे हम एक आर्क ड्रा करेंगे, तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट ही होगा रूट टू, क्योंकि ये देखो इसकी लेंथ कितना हो गया, रूट टू। तो अब जो ये इतना लेंथ जो हुआ, मैं दूसरा कलर चेंज करके दिखलाता हूँ, अब जो ये हमारे पास ये जो इतना हुआ यही तो है रूट टू, रूट टू। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वही तो है रूट टू, ओके। सो दिस इज़ द वे हाउ टू, दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट, वी लोकेट सम इरेशनल नंबर लाइक रूट टू ऑन द नंबर लाइन, ओके। अब इसको मैं सेंटेंस फॉर्म में जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या क्या करना है। फर्स्ट व्हाट कंसीडर लिखना है आपको, कि कंसीडर स्क्वायर, ओके, कंसीडर स्क्वायर ओ ए बी सी ऑफ, ओके, यूनिट लेंथ। अब एक यहाँ पे आप ड्रॉ कर देना ओ ए बी सी, ये है आपका डायगोनल, ये वाला है आपका डायगोनल वन वन, और ये हो जाएगा आपका रूट टू। सिंस, ओके, बाय यूजिंग द पाइथा, ओके, गोरस, ओके, दैट इज़ द थियोरम, वी हैव ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर आपको ऐसे आ जाएगा, तो रूट टू आ जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे क्या लिखेंगे, अब आगे क्या लिखेंगे, आप इसके आगे आप लिखेंगे कि नाउ प्लेस, ओके, स्क्वायर ओ ए बी सी ऑन, ओके, वेयर नंबर लाइन सच दैट वर्टेक्स, व्हाट इज दैट, वर्टेक्स ओ मैचेस, ओके, विथ जीरो ऑन नंबर लाइन एंड वर्टेक्स, व्हाट इज ए, व्हाट मैचेस विथ वन, दैट इज वन ऑन नंबर लाइन। सो इतना लिखने के बाद आप जब ऐसे नंबर लाइन को ड्रॉ कर देना, फिर यहाँ पे वन, फिर सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, ये वाला लास्ट पॉइंट, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और आप यहाँ से ऐसे डायगोनल शो कर देना। मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है, आप अपने डायग्राम में स्ट्रेट लाइन कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा रूट टू, and here you have 2, here you have 3 on the number line, here you have 2, 4. Now, okay, take compass, consider O as center, OV equal to root 2 as radius consider karke, okay, draw an arc on number line। अब जब यहाँ पे आप एक आर्क, ओके, नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, सो द पॉइंट वेयर, जहाँ पे, ओके, द पॉइंट वेयर दैट आर्क कट्स द नंबर लाइन, दैट पॉइंट इटसेल्फ इज द रूट टू। वो आप ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हो। दिस इज द वे हाउ, दिस इज द वे यू कैन रिप्रेजेंट और यू कैन लोकेट सम इरेशनल नंबर लाइक रूट टू।
okay, on the number line. So another, we have another question like, okay, locate root 3 on number line. अब हमारे पास है कि root 3 number line पे कैसे locate करेंगे. अब root 3 का क्या करोगे, अब देखिए. Here already you know, okay, you know how to draw OB root 2, ठीक है. root 2 तो आपको draw करने आ गया है. अब इस पे आप इस पे एक perpendicular draw, sorry, यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे draw करके दिखलाता हूँ आपको. देखिए आप यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेना, ओ बी और बी डी, बी डी इन सच वे दैट दिस, व्हाट इज दैट, ये डी जो है, बी डी जो है, बी डी जो है वो वन यूनिट का होना चाहिए. तो अब देखिए, अब जो जब ये वाला, फिर अब आप ओ और डी को, सॉरी यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स है उससे नहीं हो पा रहा है, मैं ये मैच कर देता हूँ. ये देखिए, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देना, व्हाट इज दैट, ओ डी. ओ डी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या आ जाएगा, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यू गॉट इट. तो अंदर हो जाएगा रूट थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री. नाउ टेक कंपास, ओ कंसिडर ओ एज द, वट इज कंसिडर ओ एज द सेंटर एंड ओ डी एज अ रेडियस. ओ डी इक्वल टू रेडियस दैट इज रूट थ्री. ओके, ओ डी इक्वल टू रूट थ्री एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन रूट थ्री एंड यू विल गेट समवेयर हियर. सो द पॉइंट वेयर यू, द पॉइंट वेयर द आर्क कट्स द नंबर लाइन दैट इज द रूट थ्री. You got it. What did we do? देखिए मैं इसको एक छोटा सा इसको हाइड कर देता हूँ. ओके, हाइड करने से पहले मैं थोड़े स्टेप्स लिख लूँगा और फिर मैं दिखलाते रहूँगा. देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, Already you have what? Root 2 on number line. Okay, you know how to locate root 2 on the number line. तो आपके पास now construct sorry BD equal to 1 perpendicular on OB. BD equal to 1 that is perpendicular to OB. Now by using Pythagoras theorem, okay, OD इक्वल टू रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर. तो अंदर हो जाएगा रूट टू, तो OD इक्वल टू रूट टू आया. देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हाइड करा देता हूँ. यस, इसको मैं एक इस वाले स्लाइड को मैं लॉक कर देता हूँ, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, सो दैट आई कैन डू एनीथिंग ऑन दिस. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, यू गॉट इट. पहले आपके पास ये था ओ ए वन यूनिट, ये वन यूनिट, तो आप ये रूट टू आपको आ गया कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. फिर जब आपको रूट टू आ गया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओ बी पर ये ओ बी है, ओ बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या, बी डी, ये वाला बी डी. ये कितना लेंथ होना चाहिए, वन. ये कितना लेंथ होना चाहिए, वन. सो बाई यूजिंग द पाइथागोरस थियरम, इस ओ डी का मेजरमेंट आपको आ जाएगा ना, ओ डी इक्वल टू
ओडी क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बाय यूजिंग द पाइथागोरस दैट इज द हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर रूट में हो जाता है दिस बी डी स्क्वायर, तो वन स्क्वायर हो जाएगा प्लस दिस ओ बी स्क्वायर, तो रूट टू स्क्वायर दैट इज टू, इजेंट इट, यस, वन प्लस टू इट विल गिव यू रूट थ्री, सो ओडी ओडी अपने पास कितना आ गया रूट थ्री। ना अगेन टेक वही स्टेप्स जो मैंने रूट टू में स्टेप जो लिखा था, टेक कंपस कंसिडर ओ एज सेंटर एंड ओ डी इक्वल टू रूट थ्री एज अ रेडियस, ड्रा एन आर्क, ओके, एंड ड्रा एन आर्क एंड दैट आर्क वेयर कट्स ऑन द नंबर लाइन, ओके, द पॉइंट इज द पॉइंट इज द रूट थ्री, सो दिस इज द वे वी कैन लोकेट रूट थ्री दैट इज इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आई थिंक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो अभी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए, ओके, आई विल टेक सम अदर कलर। लोकेटिंग रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन के पहले हाउ टू लोकेट रूट टू यू शुड नो, ओके, जब तक से आपको रूट टू नहीं समझ में आएगा तब तक से आप रूट थ्री नहीं आपको आएगा। रूट टू आपको मैंने बताया था कैसे करना है, पहले तो नंबर लाइन पे ओ ए बी सी, यहाँ पे वन वन करके रूट टू आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब रूट ओ बी इक्वल टू आपके पास रूट टू आ गया, ओ बी इक्वल टू रूट टू आया, ये वाला वन था ये वन था तो ये रूट टू आ गया ना, तो अब दिस बी पर बी डी एक, ये वाला डी ये वाला बी, ये बी डी एक ऐसा वन यूनिट का एक ऐसा बी डी दैट इज़ द परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, ओ बी पे, ओ बी पे जब ये वन है ये रूट टू है, अब ये रूट टू है ये वन है तो ये रूट थ्री हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब जब ये ओ डी इक्वल ओ डी के मेजरमेंट आपके पास रूट थ्री आ गया, तो फिर जब ओ को आप सेंटर मान लोगे और ओ डी को रेडियस मान लोगे, तो यहाँ से कंपास से एक ऐसे सर्कल ऐसे काटोगे, जब ऐसे एक आर्क काटोगे तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा तो वही होगा रूट थ्री, क्योंकि क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो रूट थ्री ही है, इजंट इट। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, टू है, टू है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो थ्री है, तो यहाँ से जब ये पॉइंट रूट थ्री है तो ये रूट थ्री हो गया, यू गॉट इट, फिर से क्लियर, आई थिंक फिर से आपको समझाना। देखिए यहाँ पे रूट थ्री को लोकेट करना करने के लिए आपको रूट टू आना ज़रूरी है, यू शुड नो हाउ टू लोकेट रूट टू, देन ओनली यू विल प्रोसीड फॉर रूट थ्री। वेन यू नो रूट थ्री हाउ टू लोकेट रूट थ्री देन ओनली यू विल प्रोसीड फॉर रूट फोर। रूट फोर मीन्स वॉट, सॉरी टू, ओके, वेन यू नो हाउ टू लोकेट रूट फोर दैट इज टू ऑन द नंबर लाइन देन ओनली यू विल प्रोसीड ऑन द रूट फाइव। वेन यू नो हाउ टू लोकेट रूट फाइव देन ओनली यू कैन लोकेट रूट सिक्स। ओके, दिस इज द सीरीज, ओके, दिस इज हाउ यू शुड नो, सो दैट इज वाई देर इज आवर टेक्स्ट बुक हैज़ गिवेन वन वट वन थियरम, और वी कैन से लाइक यू कैन लोकेट वट रूट एन, वट इज दैट रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव, ओके, इंटीजर एन आफ्टर एन माइनस वन हैज़ बीन लोकेटेड। कहने का इसका मतलब क्या मालूम है, जब आप एन माइनस वन लोकेट कर लोगे तभी आप रूट एन को लोकेट कर पाओगे। लाइक जब आपको रूट फाइव करने के लिए आपको रूट फाइव माइनस वन दैट इज़ रूट फोर विच इज़ टू, टू आना चाहिए, जैसे रूट थ्री लोकेट करने के लिए रूट थ्री माइनस वन जाकि रूट टू आपको आना चाहिए। सिमिलरली रूट सेवन को लोकेट करने के लिए रूट सिक्स आपको आना चाहिए, एन माइनस वन, दिस इज़ रूट एन, दिस इज़ रूट एन माइनस वन। जैसे हम लोग ने रूट टू को पहले ड्रॉ किया, फिर हमको रूट थ्री आया, फिर देन ओनली वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट रूट फोर, देन ओनली सॉरी दिस इज टू ओनली एंड यू नो वेरी ईजी जीरो वन टू, ये तो बहुत ईजी है, बट रूट फाइव जानने के लिए आपको रूट फोर जरूर आना चाहिए। ओके, क्या करेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे
ओके, रूट फाइव को आप कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करोगे? तो एज आई टोल्ड यू, रूट फाइव जाने के लिए आपको रूट फाइव माइनस वन जाना पड़ेगा, मतलब फोर, मतलब दो। अब देखिए, सपोज ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो ये वाला पूरा कितना हो गया? टू। अब यहाँ पे ये हो गया ए, ये हो गया ओ। अब आप यहाँ पे टू पे एक वन यूनिट का बी ड्रॉ करिए। ओके, यहाँ सपोज यहाँ तक जाएगा, एक मिनट, सपोज यहाँ तक गया। अब आप ये और ये दोनों को मैच करिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? रूट, ये टोटल टू है, तो टू टू जब फोर प्लस वन, तो ये आपको रूट फाइव आ जाएगा। फिर आप कंसीडर कर लेना ओ एज ए सेंटर, ओ भी इज इक्वल टू रूट फाइव एज ए रेडियस, और फिर आप एक ऐसे आर्क यहाँ पे कट करा सकते हैं, और नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे वो कट करेगा वो ही रूट फाइव हो जाएगा। तो प्रोसीजर और जो स्टेप्स है वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखाया है, तो आप उसे वहाँ से नोटिट कर लेना। सो दिस इज़ द वे मेनी इरेशनल नंबर ओके यू कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन।